बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लग रहे हैं कि वरुण गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं और सपा व कांग्रेस वहां से उनका समर्थन कर सकती है। हालांकि अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि अमेठी कई दशकों से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहां से राहुल खुद 15 साल तक सांसद रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। वरुण गांधी पिछले कई सालों से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड समेत कई ऐसे मामले रहे हैं जब वो अपनी ही राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वरुण के सोशल मीडिया अकाउंट पर बदलाव देखने को मिला है और वो अब बीजेपी व पीएम मोदी से संबंधित पोस्ट को रिपोस्ट करते नजर आते हैं। वरुण के कई सालों तक बीजेपी सरकार पर ही हमलावर होने की वजह से अटकलें लग रही थी कि इस बार बीजेपी से उनका टिकट कट सकता है। पीलीभीत से बीजेपी किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में वरुण के अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। साथ ही कांग्रेस व सपा वरुण को समर्थन दे सकती है। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों से खारिज कर दिया है। बता दें, वरुण गांधी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में वरुण गांधी ने हवाई अड्डे पर शराब की दुकानों की तर्ज पर रेलवे स्टेशन पर शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। इससे पहले अक्टूबर 2023 में उन्होंने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने को लेकर यूपी सरकार के प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी थी, जिसकी भाजपा नेता ने प्रशंसा की थी। इससे पहले 2020-21 में वरुण ने किसान आंदोलन का भी समर्थन किया था। इसी दौरान वरुण को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से भी हटा दिया गया था। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि वरुण गांधी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी यानी सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।